मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एक महान ईश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर, अपने शब्द के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, एक एक चीज को बनाने वाला ईश्वर बाइबल हमें सिखाती है। और हमारा ईश्वर अनुग्रही है, अनुग्रह के धनी है, अनुग्रह के धनी, करुणा सागर, दया सागर, पुकारने वालों को सुनने वाला, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला, अथाह प्रेम रखने वाला, एक ऐसा महान ईश्वर है। और वह ईश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उनके अनुग्रहों से हम भर जाएं, आशीषों से हम भर जाएं। प्रभु यीशु स्वयं यौहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8 में कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा ऐसे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें, और ईश्वर चाहता है कि हम उनसे बहुत फल उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्राप्त करें। यह कैसे हो सकता है? यह तभी संभव है जब हम दुर्बल इंसान अपने आप को और अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें, समर्पित करें। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो प्रभु अपने अपार वैभव में हमें सहभागी बनाते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17, पूरे इसराइल में अकाल पड़ा था, सारे जलाशय सूख रहे थे, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, जानवर मर रहे थे, मनुष्य मर रहे थे। ऐसे में ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिय्याह को आदेश दिया कि तुम किरीत के घाटी में जाकर गुफे में बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा और किरीत का पानी पीकर जिंदा रहना। कुछ दिन के अंदर वो पानी भी समाप्त हो गया। तब ईश्वर ने उसे आदेश दिया कि तुम सीदोन के सरप्ता नामक जगह जाना और वहां पर मैं एक विधवा को आदेश दूंगा कि तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करे। और इस तरह एलिय्याह इसराइल के बाहर सीदोन चला जाता है, और सरप्ता पहुंचने पर एलिय्याह ने देखा कि विधवा आ रही है। एलिय्याह ने कहा, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। वो पानी लेने के लिए जा रही थी तब तक एलिय्याह ने कहा, ऐसा है मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। वो विधवा नबी के पास आई और उसने कहा कि महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक बर्तन में एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैंने सोचा कुछ सूखी लकड़ियां बटोर लूंगी और मैं उसको पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन एलिय्याह ने उससे क्या कहा? एलिय्याह ने कहा, बहुत सुंदर है, एलिय्याह ने कहा, मत डरो, जैसे तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इसराइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिय्याह ने जैसे कहा था स्त्री ने वैसा ही किया, और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिय्याह को खाना मिलता रहा। उस स्त्री ने अपने पास जो थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, उससे रोटी पकाकर ले आया, एलिय्याह को दे दिया। जब वो वापस गए तो उसने क्या देखा? बर्तन आटे से भरा हुआ है, कुप्पी तेल से भरी हुई है। यह है समर्पण का चमत्कार, यह है समर्पण का चमत्कार। उसके पास जो कुछ था उसने प्रभु के नाम पर एलिय्याह को दे दिया। हमारे पास जो कुछ है जब हम प्रभु के नाम पर देते हैं, प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के लोगों के लिए देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 3 में आपने बार बार इस वचन को पढ़ा है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। इस प्रवचन के रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले एक जवान लड़का, 29 साल का लड़का मुझसे मिलने आया, विश्वासी है। कई दिनों के बाद मैं उसको देख रहा था, बाल लंबे, दाढ़ी लंबी,
मैंने कहा तेरा चेहरा कैसे बन गया है? उसने कहा फ्रस्ट्रेशन है, यानी निराशा है। मैंने पूछा विश्वासी और निराशा ये कैसे हो सकता है? एक विश्वासी कभी निराशा में नहीं रहता है, कभी निराशा आ जाती है लेकिन मिट जाती है। फ्रस्ट्रेशन एंड फेथ कांट गो टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं जाता। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम अपनी योजना बनाते हैं और चाहते हैं कि प्रभु मोहर लगा दें। हम अपने आप को समर्पित करने को तैयार नहीं है, अपनी इच्छाओं को समर्पित करने को तैयार नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं कि प्रभु ये मेरी इच्छा है लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, प्रकट कर। वचन में लिखा हुआ अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। प्रभु को अर्पित करना है। उस नारी ने अपने पास जो कुछ था प्रभु के नाम पर उस नबी को दे दिया, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ये समर्पण का चमत्कार है। हमें पुराने विधान के इब्राहिम के जीवन में समर्पण का एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। हम सभी जानते हैं, हम थोड़े समय में मनन करेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया जब वो 75 साल के थे और एक नई जगह की ओर ईश्वर ले गया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो निसंतान था, ईश्वर ने कहा कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। लेकिन इब्राहिम को कोई संतान नहीं मिली। 99 साल के बाद 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। जरा सोचिए, 100 साल के इंतजार के बाद एक संतान मिले, वो संतान उस इंसान के लिए कितना प्यारा होगा। और वो बेटा बढ़ रहा था, इसहाक बड़ा सा बालक बन गया। प्रभु की आवाज आई, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया और क्या कहा, इब्राहिम इब्राहिम, आपने एकलौते पुत्र एकमात्र पुत्र इसहाक को जिसके तुम बहुत प्यार करते हो मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर बलि चढ़ाओ। 100 साल की प्रतीक्षा के बाद एक संतान मिली। प्रभु कहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि चढ़ाओ। क्या कोई मनुष्य कर सकता है? लेकिन इब्राहिम ने एक सकारात्मक जवाब दिया। इब्राहिम अपने बेटे को लेकर बिना किसी को यह बात बताए मोरिया चला जाता है, जो पहाड़ प्रभु ने दिखाए उस पर चला जाता है, बेटे को वेदी पर बांध कर डालता है, अब छुरा निकालता है उसका गर्दन काटने के लिए। तब तक आवाज आती है, वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 16 में, बस इब्राहिम बेटे पर अपना हाथ न लगाना, तुमने वो किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। इब्राहिम ने अपने एकमात्र पुत्र को, एकलौते पुत्र को जिसको वह और सारा और सभी लोग इतना प्यार करते थे, उसके जीवन के मकसद का एकमात्र कारण था, उसके बुढ़ापे की लाठी था, उसको देने से इनकार नहीं किया। समर्पण। नतीजा, प्रभु कहते हैं मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। इब्राहिम ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, जोखिम उठाया, उसके लिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया, प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिया। हालांकि इसहाक की बलि तो नहीं चढ़ी, आशीर्वाद मिला। एक दंपति मुंबई से आए थे आश्रम में 2 साल पहले। जब वो भाई कंपनी में काम कर रहे थे, कई साल पहले की बात है, काम करते समय उनका मन बिल्कुल उस काम में नहीं लगता था, हालांकि बहुत अच्छी नौकरी थी। मन नहीं लगता था, उसके मन में एक विचार आया कि मैं कलीसिया की सेवा करूंगा।
उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा कि तुम कैसे काम करते हो, कंपनी जाने के लिए तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, क्या तुम छोड़ना चाहते हो? उसने सच कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे वो काम करने की इच्छा नहीं है, मैं तो उसको छोड़ना चाहता हूँ और कलीसिया की सेवा करना चाहता हूँ, विश्वास की वृद्धि के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मुझे प्रेरणा मिल रही है, वो सशक्त प्रेरणा मिल रही है। और वो भाई जाकर अपने पल्ली पुरोहित को, अपने वहां के पुरोहित से कहा कि फादर ऐसा है कि मैंने निर्णय लिया कि नौकरी छोड़ दूंगा। फादर ने कहा कि पागल हो गया है, बड़े मुश्किल से एक नौकरी मिलती है और तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिली, उसको छोड़ दोगे? तुम्हारे बच्चे मेरे पास आएंगे बर्तन लेकर भीख मांगने? भाई छोड़ चले गए। पल्ली पुरोहित ने उनकी बेटियों को बुलाया और कहा कि देख तेरे पापा नौकरी छोड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं करने देना क्योंकि तुम भीख मांगोगी, समझ लो। वो भाई नहीं छोड़ा, वो नौकरी छोड़ देता है, कलीसिया का की सेवा करने लगता है। उस भाई ने कहा जब से मैंने नौकरी छोड़ी, इतनी बड़ी जोखिम ली, मेरे परिवार पर आशीष बरसती रही, कोई कमी नहीं आया, मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई, प्रभु ने कमी होने नहीं दिया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 में, जरा सुनिए, बार बार आप बोलते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे समर्पणों के लिए प्रभु चाहेंगे, करना पड़ेगा, हमें डरना नहीं चाहिए। जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके प्रति हमें बहुत ज्यादा लगाव है, जो हमारे लिए बहुत प्यारी सी चीज है, प्यारा सा काम है, प्रभु कहते हैं छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नौकरी छोड़िएगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बहुत प्यारा समझ कर रखते हैं। जब हम समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर प्रचुर मात्रा में आशीष बरसाते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 37 वाक्य 5, बार बार आपने सुना है, वहां भी क्या लिखा हुआ है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जबरदस्त वचन, एक एक वचन का ख्याल करना। वचन कहता है प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, सरेंडर टू द लॉर्ड। अपने को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना, ज्यादा शक्तिशाली नहीं समझना, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी भीड़ को देखा और शिष्यों से कहा कि इनको हमें कुछ खिलाना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास क्या, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या है और इतने लोगों के लिए? प्रभु ने क्या कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, मेरे पास ले आओ। और शिष्यों ने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु के पास आने के लाने के बाद वो 5 रोटियां और 5 मछलियां हजारों लोगों के लिए भोजन का माध्यम बन गया। प्रभु ने आशीष की प्रार्थना पढ़ी और सबको खिला दिया, तृप्त हो गया, 12 टोकरी रोटियां बच गई। मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो तुच्छ चीजें हैं, कुछ नहीं है, मैं जानता हूं तंगी है, ले आओ। कुछ दिन पहले मैंने एक बहन से कहा, उस बहन को मैं जानता हूं, आश्रम आती रहती है बराबर, लेकिन उसके घर में एक समस्या है, तंगी बनी रहती है। तंगी मतलब तंगी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, हर समय, पिछले कई साल से मैं देख रहा हूं। मैंने उस बहन से पूछा कि आप दशमांश देती हैं? वो पूरा बता नहीं पा रही थी। क्या आप प्रभु को देती हैं, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के काम के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए देते हैं? देना सीखिए। जब आप देना सीखेंगे तंगी भाग जाएगी। जब तक आप नहीं देंगे तब तक तंगी बनी रहेगी। जब तक हम समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारे घर पे तंगी बनी रहेगी। जब तक आप अपनी तुच्छ भी, जो भी होगा, उसमें से भी प्रभु के लिए और लोगों के लिए देने को तैयार होंगे, उस समय आपके जीवन में आशीष पर आशीष बरसेगी। प्रभु ने शिष्यों से कहा तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। ले आए, समर्पित किए, हजारों लोगों के लिए वो भोजन के लिए माध्यम बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम
अपने जीवन में प्रभु को समर्पित करने लगेंगे, अपने जीवन को, अपनी बातों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, प्रार्थना में और विभिन्न रूपों में जब हम समर्पित करने लगेंगे तो हमारे जीवन में भी यही होगा जो उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से हुआ। प्रभु प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देंगे। आप जानिएगा, एक भक्त के लिए, एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन चीज समर्पण है। फूल चढ़ाना, बत्ती चढ़ाना, दूध चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, पेड़ा चढ़ाना, थोड़ी सी बाइबल पढ़ना, रोजरी बोलना, ये सब बहुत आसान है। मिसा के लिए जाना ये भी आसान है, लेकिन समर्पित करना बहुत कठिन है। जिसको आप प्यार करते हैं, ये मेरा है, उसको प्रभु को समर्पित करना बहुत कठिन होता है। जो हमारे लिए सबसे प्यारा है उसको समर्पित करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी प्रभु कहेंगे कि तुम अपनी नींद मुझे दे दो, कठिन होता है। समर्पण सबसे कठिन है और समर्पण सबसे आवश्यक है। हमें ठीक इसके विपरीत प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक दंपति के समर्पण के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस जमाने में जो विश्वासी थे, विश्वासी लोग अपनी संपत्ति को बेचकर उसका धन ले आकर प्रेरितों के हाथों में रखते थे और प्रेरित कलीसिया के लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसको वितरित करते थे। एक प्रकार के सामाजिक जीवन होता था उस समय, समाजवादी सामाजिक जीवन। उस समय एक दंपति थे, उसका नाम था अनानियास और सफेरा। वे भी विश्वासी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच दिया, लेकिन आधा पैसा अपने पास रखा। आधा लिया कर पेत्रुस के चरणों पर रख दिया अनानियास ने। पेत्रुस ने देखा कि ये पूरा नहीं है, पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया। पेत्रुस ने पूछा, क्या ये तुम्हारी संपत्ति बेचने का पूरा धन है? उसने कहा हाँ। पेत्रुस ने पूछा, वो संपत्ति तुम्हारी थी, बेचने की जरूरत थी, लेकिन तुम क्यों झूठ बोले? और वहीं पर अनानियास गिरता है और मर जाता है। उसके बाद उसकी लाश ले जाई जाती है गाड़ने के लिए, उसके बाद उसकी पत्नी आ जाती है। उससे भी पेत्रुस ने यही सवाल किया, वो भी झूठ बोलती है, वो भी गिरकर मर जाती है। एक जबरदस्त प्रतीक है। वास्तव में यही हमारे जीवन में होता है। हम छिपाकर रखना चाहते हैं अपने लिए बचाकर रखना चाहते हैं। हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं। जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। देखिए रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें समझाते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें, प्रभु की उपासना करें, और एक जीवंत पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। हर विश्वासी को अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करना है। जब आप अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करेंगे, जीवन से संबंधित एक एक चीज को प्रभु को अर्पित करेंगे, सिर्फ पाखंडी की तरह नहीं बनेंगे, प्रार्थना करने वाले, थोड़ा वचन पढ़ने वाले, थोड़ा वचन सुनाने वाले, लेकिन प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पित और अपने जीवन को और अपने सारा कुछ प्रभु को समर्पित करने वाले बनेंगे, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। यहां तक कि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को, उन पीड़ाओं को भी प्रभु को समर्पित करना है। जब कोई भी यहां पर आता है तो मैं उनको बोलता हूं, प्रभु को समर्पित करो, समर्पित तुम्हारी पीड़ा को समर्पित करो, तुम्हारी समस्याओं को समर्पित करो, तुम्हारे रोगों को समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पित करो। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और वहां पर आगे बताया गया है कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा पीड़ाएं, दर्द इसीलिए हैं क्योंकि वो हम प्रभु को समर्पित नहीं करते। अगर हम अपने जीवन की सारी बातों को प्रभु को समर्पित करेंगे तो हमारा दुख हल्का हो जाएगा। जब आप अपनी पीड़ाओं को, दर्द को और अपने रोग को प्रभु को समर्पित करेंगे तो वो प्रभु की हो जाएंगी और आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे। तो हमें समर्पित करना सीखना है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक कुम्हार है, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, मिट्टी पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए कुम्हार उस मिट्टी से कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाता है। हम जितना प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे अपने आप को और अपना सब कुछ को, तो प्रभु इसके द्वारा महान महान कार्य करेंगे। यहां पर शक नहीं करना है। कई लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन
ये लेकिन कहां से आ गया है विश्वासी के जीवन में? अननियास और सपैरा की तरह हम भी बन जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन नहीं आना चाहिए। प्रभु को समर्पित करना हो, जब हम अपने आप को और अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपना सब कुछ को प्रभु को समर्पित करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। हमारे जीवन में भी वही होगा जो एक मिट्टी के जीवन में होता है। वो कुम्हार कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाता है। हमारी दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित करना, बिना छिपा के समर्पण, प्रभु की आशीष हमारी ओर बहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इन वचनों के लिए। तो हमारे अंतरतम को झकझोर रहा है, हमें भक्ति और विश्वास का मर्म समझा रहा है। तूने ईश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति प्रेम को प्रकट किया, हमारे प्रति प्रेम को प्रकट किया अपने उस महान बलिदान के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, तूने अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा, एक एक बूंद रक्त हमारे लिए अर्पित किया। इसलिए पिता ईश्वर ने तुझे पुनर्जीवित किया और महान नाम प्रदान किया। प्रभु यीशु, हमें तुझसे सीखने की कृपा दीजिए, समर्पण का चमत्कार देखने की कृपा दीजिए।